बांगरमऊ उपचुनाव पर बोले साक्षी महाराज, कुलदीप सेंगर जेल से भी लड़ते तो जीत जाते। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज चुनाव प्रचार के लिए सोमवार को जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर की सीट बांगरमऊ पहुंचे। उन्होंने सोमवार को कहा कि चुनाव में कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा प्रभाव है, उनका फैक्टर काम कर रहा है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर चुनाव लड़ते जेल से तो भी जीत जाते। साक्षी महाराज ने हाल ही में कहा, मैं नेता तो बड़ा नहीं हूं, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है उससे विपक्ष हाशिए पर चला गया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में योगी नंबर 1 पर है। मेरे हिसाब से योगी फैक्ट, मोदी फैक्टर और बीजेपी की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रवाद की नीति काम कर रही है। किसान और गरीबों के लिए जो हमारे काम हैं वो सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, जिनका हमें आगे चलकर फ़ायदा मिलेगा। साक्षी महाराज ने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि गांव में कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहां रहते हैं। अयोध्या का निर्णय हो गया, कश्मीर से धारा 370 हट गया, एक पत्ता तक नहीं हिला। हम लोग कहते थे चुनाव में कि अगर गाँव में कब्रिस्तान हो तो शमशान भी होना चाहिए, मैंने सिर्फ थोड़ा सा संशोधन किया और कहा कि आबादी के हिसाब से यह होना चाहिए, जिस गांव में सिर्फ मुसलमान हो वहां कब्रिस्तान हो, लेकिन जहां मुसलमान नहीं हो वहां कब्रिस्तान की क्या ज़रूरत है। 2022 में यह मुद्दा जरूर उठेगा, यह सांप्रदायिक विकास या ध्रुवीकरण की कोई कोशिश नहीं है। साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में स्वयं में एक पार्टी थे, क्या स्थितियाँ बनी हैं, वह जेल में है और यह सीट कुलदीप सिंह सेंगर ने बीजेपी के लिए पहली बार निकाली थी। हम दोनों की बुद्धि से बड़ी मुश्किल से यह सीट निकली थी। कुलदीप सिंह सेंगर का प्रभाव तो यहाँ है ही, क्योंकि यह 2 बार पहले भी MLA रह चुके हैं। साक्षी महाराज ने आगे कहा, कुलदीप सिंह सेंगर के प्रभाव का पार्टी को लाभ मिलना चाहिए, मैं यह नहीं कह सकता कि उनका फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा। मतदाताओं में कुलदीप सिंह सेंगर की प्रति सहानुभूति और अगर वह जेल से भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते, आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप उन पर लगे, सजा हुई। मैं कानून व्यवस्था पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, कई बार सत्य को भी फांसी हो जाती है। साक्षी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का काम सिर चढ़कर बोल रहा है, मुझे लगता है यह सीट निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जाति का कोई असर नहीं है, जातिवाद कोई फैक्टर नहीं है, पहली बार जातिवाद को छोड़कर के हिंदू और मुसलमान स्वेच्छा से वोट कर रहे हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आगे कहा कि मैं नहीं कह सकता कि उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल है या नहीं, लेकिन पार्टी के लिए यह चुनाव बेहद अहम है और 2022 के चुनाव पर इस उपचुनाव का असर जरूर होगा, हमारी पूरी कोशिश और पूरी ताकत चुनाव में लगी हुई है। तो दोस्तों, साक्षी महाराज के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ यही बताएं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में अगली सरकार कौन सी पार्टी की बन सकती है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ न्यूज़ क्लब कमेंट से करने को भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।